नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। दरअसल अग्निपथ स्कीम सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया। तीनों रक्षा प्रमुख जो थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, रक्षा मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने बखूबी समझाया भी कि ये पूरी स्कीम क्या है और कैसे भारतीय सेना आने वाले दिनों में काम करने जा रही है। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में हंगामा हो गया है और हंगामे की तस्वीरें हमारे पास हैं, तो वो हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको कहानियां सुननी पसंद है तो आपके लिए कुकू एफएम एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है कि हर घर कुकू एफएम, और इसके तहत आप हजारों हजार कहानियां इसे डाउनलोड करके सुन सकते हैं। माँ से लेकर बच्चे तक और बूढ़े तक, इंसान जो है घर के बुजुर्ग भी कहानियां सुन सकते हैं। जिस तरह की उन्हें कहानियां पसंद है वैसी कहानियां सुन सकते हैं, सबक सीख सकते हैं उससे और गुदगुदा भी सकते हैं, खुद को मुस्कुरा भी सकते हैं कहानियां सुन के। और अगर भारत तक के जो दर्शक हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है हमारी तरफ से, वो है घर 50 कोड हमारा, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लौटते हैं खबर पर और बात करते हैं। दरअसल जिस तरीके से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है उसके बाद से जो पूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे हमारी सेना की एफिशिएंसी घट सकती है, हमारी कॉम्बैट क्षमता जो है वो घट सकती है, और इसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे शहरों से तस्वीरें आई हैं, खासकर राजस्थान के से तस्वीरें आई, फिर बिहार के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई, मुजफ्फरपुर से आई तस्वीरें, बक्सर से आई तस्वीरें और बेगूसराय से तस्वीरें आई कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर दिया है और उनका कहना है कि ये इसे रोल बैक कर देना चाहिए। दरअसल वो ये स्कीम नहीं चाहते हैं। युवाओं की मांग है कि वो जब जाना चाहते हैं सेना में, पूर्णतः जाना चाहते हैं, 4 साल की नौकरी स्कीम का जो है वो विरोध कर रहे हैं इसलिए। और उनका क्या कहना है ये हम आपको सुनाते हैं। ये 4 साल अगर होगी तो सबके लिए होगी, अर्धसैनिक से लेके सैनिक तक। और तीसरी बात, हम एआरओज में गए थे जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उनका एग्जाम होना चाहिए, तो वो बोले कि आप डीएम साहब के पास जाओ। हम डीएम साहब के पास भी गए, डीएम साहब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। अब स्थिति ये है कि अब बहाली भी नहीं आ रही है, जो लोग मेडिकल फिट हैं वो लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। फिजिकली आप लोग निकाल चुके हैं? हाँ, जो लोग मेडिकल निकाल चुके हैं। और अब प्रावधान ऐसी है मिलिट्री का ऐसा नियम है कि 3 महीना तक अगर आपकी एग्जाम नहीं होती है तो दोबारा फिजिकल देना होगा। कितने बच्चे मर गए, तुरंत आकाश मरा है पानी में डूब के, यहाँ पे कितने का पैर टूट गया। अब चाहते क्या है, कितना सुसाइड कर लिया, अब चाहते क्या है एग्जाम नहीं। आप अगर आर्मी को रखना नहीं चाहते, आप 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो, क्या चाहते हैं आप? 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले, जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी? झाड़ू तो करेंगे नहीं भाई, हम 4 साल तो बंदूक चला। 4 साल वाली ऑप्शन का भी विरोध। एग्जाम लो भाई, एग्जाम लो। उम्र सबसे पहले, उम्र का 17.5 से 21 है। निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में, बोलता कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी क्या राय है इसको लेकर ये भी हम आपको सुनवाते हैं। नहीं भी रहे, इनको 4 साल के बाद में विलंबित कर दिया जाएगा। इसमें से केवल 25% है उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट दी जा सकती है, लेकिन एज फ्रेश केस ये 4 साल की ट्रेनिंग जो है वो उनके काम नहीं आएगी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी एंड पेंशन। बाकी लोग जो हैं उनको 10 से 12 लाख रुपए जिसके लिए वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उनके टर्मिनल बेनिफिट्स होंगे। उनके बाद उसका कोई मेडिकल बेनिफिट या कोई कैंटीन बेनिफिट या कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा। उनको केवल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो कागज़ के टुकड़े हैं, और कहा जा रहा है कि उनकी बदौलत शायद उनको कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, शायद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज एब्जॉर्ब कर लेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी बहुत बड़े पैमाने पर अपोजिशन होगा, वो चाहेंगे अपने रिक्रूट को भर्ती करें बजाय कि उनको जिनको फौज ने कंडेम कर दिया और बाहर निकाल दिया। ये जब रैलीज होगी बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे सामने। इस समय देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को निगाह में रखते हुए 46,000 युवक जो हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यू विल नॉट गेट द बेस्ट।
हालांकि सरकार लगातार ये बता रही है कि किस तरीके से वो जो 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो अग्निवीर आएंगे उनको उनके भविष्य के सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कर रही है। उनको खास तौर पर 4 साल के बाद सेवा के बाद सेवा निधि के तहत जो है वो 11 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय है या कई और राज्य सरकारें हैं, उन्होंने यह ऐलानिया किया है कि वो वरीयता देंगे अपने यहाँ, जैसे गृह मंत्रालय जो कह रहा है कि CAPF और असम राइफल्स में वो भर्ती करेंगे जो अग्निपथ स्कीम से जो है लोग जो जवान हैं वो निकलेंगे उनकी। तो एक तरीके से सरकार अपनी बातें कह रही है लेकिन देश के जो युवा हैं इस वक्त वो आग बबूला हैं। जो सेना में शामिल होना चाहते हैं उनका कहना है कि उन्हें 4 साल वाली इस स्कीम से मतलब नहीं है, उन्हें फुल टाइम वो जाना चाहते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।